तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेक्स रिएक्शन। तो आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सभी को मेरे तरफ से सलाम, दुआ और नमस्ते। तो सभी को वेलकम है मेरे चैनल पे। तो आज का रिएक्शन सॉन्ग है इश्क मिटाए, जो कि अमर सिंह चमकीला मूवी से है और हीरो आके दिलजीत दोसांझ है, जो कि बहुत ही मस्त सिंगर है, पंजाबी सिंगर। तो एज ए हीरो उन्होंने प्ले किया है। इम्तियाज़ अली सर की मूवी है जो कि लव आजकल, और बहुत ही मज़ेदार मूवीज़ इन्होंने दिए हैं। मतलब मूवीज़ बहुत अच्छे बनाते हैं। इम्तियाज़ अली सर डायरेक्शन है। तो म्यूज़िक आके यार रहमान सर और रिशाद कामिल के लिरिक्स हैं। और मोहित चौहान भाई, मतलब मोहित चौहान एज ए सिंगर है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मस्त होने वाला है सॉन्ग। तो इनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये सभी लेजेंड्स हैं। तो चलिए गाइस, सॉन्ग सुनते हैं पहले, उसके बाद में बात करेंगे। और अमर सिंह चमकीला है ना ये मूवी, मतलब एक बायोपिक मूवी है। एक फेमस सिंगर है, पंजाबी सिंगर, जो कि उनकी स्टोरी होने वाले है, लाइफ स्टोरी पे मूवी है। तो इम्तियाज़ अली सर की मूवी है, तो बहुत ही मस्त मूवी होने वाली है। तो उसका ट्रेलर आया तो हम रिएक्शन करेंगे, अगर आ चुका होगा तो भी हम रिएक्शन करेंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन सॉन्ग देख के मैं रिएक्शन कर रहा हूँ गाइस। सॉन्ग म्यूज़िक आके AR रहमान और सिंगर आके मोहित चौहान है। तो बहुत ही मस्त होने वाला है गाइस, मतलब देखते हैं गाइस, मतलब सॉन्ग कैसा है बोल के, उसके बाद में बात करेंगे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए गाइस। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। काम योर माइंड विद चक्रा बेस्ड मेडिटेशन म्यूजिक, सारे कामा कारवा वेलनेस। प्रॉपर पंजाबी ट्रैक दिख रहा है भाई, गोटे रंगा है लहरिया, पंजाब 1980s, तो ट्रू स्टोरी। मैंने कहा था ना गाइस बायोपिक होने वाली है, द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ हिज टाइम। अपने धंधे की फितरत समझिए, जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तब जनता के अंदर एंटरटेनमेंट की भूख और भी बढ़ जाती है। इश्क मिटाए हाय हाय, निमाए मेरा इश्क मिटाए हाय हाय, इश्क मिटाए हाय हाय, निमाए मेरा इश्क बनाए हाय हाय, इश्क मिटाए हाय हाय, निमाए मेरा इश्क बनाए हाय हाय, मोड़ गया बाई बाई, निमाही मेरा मोड़। बहुत ही तगड़ा भाई, म्यूजिक बहुत तगड़ा है। मैं कर सकता हूँ हमसे, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा उनके लिए, और यही तो मेरा काम है। हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग आर्टिस्ट। अमर सिंह चमकीला, बहुत ही सॉन्ग बहुत अच्छा है, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये सभी लेजेंड हैं गाइस। मतलब म्यूजिकली बहुत स्ट्रांग है सॉन्ग, और लिरिक्स भाई रिशाद कामिल, पंजाबी लिरिक्स हैं तो बहुत अच्छे लिरिक्स हैं, बहुत ही एनर्जेटिक लिरिक्स हैं, फील बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब वाइब बहुत अच्छी दे रहा है, एनर्जेटिक वाइब दे रहा है। और सिंगर भाई मोहित चौहान, उनका मतलब वॉइस ही एनर्जेटिक है ना, जैसे रॉकस्टार मूवी के गाने हो गए, इम्तियाज़ अली की मूवी है शायद वो, और मुझे रॉकस्टार के वाइब्स आ रहे हैं, मतलब इस सॉन्ग को देखने से, वीडियो वाइज बोल रहा हूँ मैं, रॉकस्टार के वाइब्स आ रहे हैं। और ये रियल लाइफ स्टोरी है ना गाइस, मतलब अमर सिंह चमकीला की रियल लाइफ स्टोरी है, एक आर्टिस्ट की लव स्टोरी है, लव स्टोरी बोल रहा हूँ मैं, एक आर्टिस्ट की लाइफ स्टोरी है, सॉरी गाइस, तो एक आर्टिस्ट की लव स्टोरी है, जो कि लव स्टोरी बोल रहा हूँ, फिर भी लव स्टोरी बोल रहा हूँ मैं, एक आर्टिस्ट की रियल लाइफ स्टोरी है, जो कि अमर सिंह चमकीला 1960 से लेकर 1980
19 समथिंग देखते हैं, मतलब इनकी 1988 तक इनको असासिनेट किया था। 1988 में एक प्रोग्राम के दौरान इनको मार दिया गया था। मतलब इनका स्टोरी है, इनका स्टोरी लाइफ स्टोरी है, तो देखते हैं गैस। मतलब आर्टिस्ट के हिसाब से तो बहुत तगड़ा है, अगर चल गया ना तो ये मूवी चल गया ना, मतलब लोगों को पसंद आ गई ना, तो रॉकस्टार से रॉकस्टार का मतलब उस टाइम पे रॉकस्टार जिस तरह से चली थी उस तरह का होगा। तो एज ए हीरो दिलजीत पाजी को लेकर बहुत अच्छा किया है इन्होंने, मतलब बहुत ही अच्छा एक सिंगर ही इस तरह से मतलब एक्टिंग बहुत अच्छे से कर सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। सॉन्ग पर मैंने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि सॉन्ग ए आर रहमान सर की म्यूज़िक है, अरेंजमेंट भी उनका ही है, म्यूज़िक कंपोजिशन भी उनका ही है, म्यूज़िक प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया है। तो ऑस्कर विनिंग और सबसे बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर ऑफ इंडिया है, तो मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और सिंगर भी भाई मोहित चौहान, रॉकस्टार के गाने बहुत सारे इनके गाने ऐसे हैं, मतलब बहुत ही मस्त गाने। तो इनकी वॉइस ही बहुत एनर्जेटिक है, तो वो सॉन्ग बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पंजाबी वाइब है, एनर्जेटिक सॉन्ग है। और वीडियो वाइज बात करें तो बहुत सारे मतलब सीन्स इन्होंने रियल सीन्स भी थोड़े बहुत डाले हैं इम्तियाज़ अली सर ने। तो परिणीति चोपड़ा भी बहुत अच्छे से मतलब एक्टिंग एक पत्नी का रोल किया है अमर सिंह चमकीला का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। वीडियो वाइज बहुत अच्छा है, तगड़ा है। 1960s से लेकर 1988 तक की इनकी जो लाइफ जर्नी है वो जर्नी को दिखाया है। तो उस टाइम पे मतलब हम तो नहीं थे अब इस जनरेशन के, और दो तीन जनरेशन के पहले का सीन है ये। तो उस टाइम में कैसा था मतलब म्यूज़िक को लेकर, एंटरटेनमेंट को लेकर, तो वो सब देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बस इतना ही कहना था गाइस, मतलब मूवी के ऊपर ज़्यादा बात कर दी मैंने, गाने के ऊपर थोड़ा कम बात की क्योंकि मैं उतने मतलब मेरी उतनी औकात नहीं है कि इस तरह के आर्टिस्ट को मैं इनके ऊपर रिएक्शन कर सकूँ, जज कर सकूँ। तो अगर कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ कर दीजिएगा गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस आउट।